नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था और वेरियस टाइप की उसके अंदर पोस्ट निकाली गई थी। ग्रुप ए की भी पोस्ट निकाली गई थी, ग्रुप बी की भी पोस्ट निकाली गई थी और ग्रुप सी की भी पोस्ट निकाली गई थी। इन सभी को कैटेगरीज को मिलाकर लगभग 118 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और अब कुछ देर पहले सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि इन एग्ज़ाम्स की जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित की गई है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें जिससे आपको पता चल सके कि सीबीएसई के द्वारा जिन पोस्ट पर वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन निकाला गया था अब उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स कर दी गई है, निर्धारित की गई है। अगर आपने सीबीएसई का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए रखी गई है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आपको मैं बता दूँ। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 118 पदों पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो निकाली गई थी। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 12 मार्च से स्टार्ट हुए थे और जो लास्ट डेट थी वो 11 अप्रैल रखी गई थी। बच्चे इसके बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट निर्धारित की जाएगी और बहुत से बच्चे पूछ भी रहे थे कि वीडियो के जब मैंने नोटिफिकेशन बनाया था कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। तो फाइनली अब एग्ज़ाम डेट इसकी निर्धारित कर दी गई है। मैं आपको पोस्ट भी बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट निकाली गई थी, अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई थी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई थी, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई थी। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा अभी 5 या 10 मिनट पहले रिलीज़ किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा 8 मई 2024 का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे देख लीजिएगा सीबीसी रिक्रूटमेंट एग्जाम FA/2024 पब्लिक नोटिस है। आइए देख लेते हैं। तो पब्लिक नोटिस में यहाँ पे क्या कहा गया देख लीजिएगा। इन कंटिन्यूशन वैकेंसी नोटिफिकेशन सीबीएसई 2024 डेटेड 29 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन था। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन एंड वेरियस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ग्रुप ए बी सी इन ऑफलाइन ओएमआर शीट बेस्ड मोड एज पर द बिलो मैंशन शेड्यूल। तो ये यहाँ पे बताया गया कि ग्रुप ए बी सी की जो नोटिफिकेशन में पोस्ट निकाली गई थी सीबीएसई के द्वारा अब इनकी एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, मतलब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। तो चलिए अब इनकी एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं हम। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन, इसका एग्ज़ाम जो है वो 3 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम भी 3 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर की। इन दो पोस्टों की जो डेट है वो 10 अगस्त 2024 रखी गई है, मॉर्निंग और आफ्टरनून दो शिफ्ट में ये आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी की और जूनियर इंजीनियर अकाउंटेंट की, तो इन दोनों पोस्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 अगस्त 2024 रखी गई है और ये भी एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग आफ्टरनून में करवाए जाएंगे। तो अभी इन सारे एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। आगे हम देख लेते हैं अगर कुछ भी यहाँ पे बताया गया है तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और ये सेम ही नोटिफिकेशन है, यहाँ पे हिंदी में बता दिया गया, बस आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। सहायक सचिव शैक्षणिक प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। कनिष्ठ लेखाकार और लेखा अधिकारी की जो पोस्ट का एग्ज़ाम है वो 10 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सहायक सचिव और कनिष्ठ अभियंता एवं लेखाकार की जो पोस्ट थी उसका 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इनकी जो एग्ज़ाम डेट है निर्धारित कर दी गई है, ये भी पढ़ लेते हैं। सहायक सचिव प्रशिक्षण पदों के डिज़ाइन तथा मल्टीमीडिया एवं मास कम्युनिकेशन विषयों में बहुत कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण इन पदों के उपरोक्त दो विषयों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है। इन पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के आवेदन से प्राप्त शुल्क की धनराशि यदि कोई है तो आवेदकों को उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिससे उन्हें शुल्क भुगतान किया था। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो ये सहायक सचिव प्रशिक्षण की पोस्ट थी डिज़ाइन तथा मल्टीमीडिया एवं मास कम्युनिकेशन विषयों में, इसके अंदर बहुत सारे कम बच्चों ने जो
अप्लाई है वो किया था, इसी वजह से इन पोस्टों को अब रद्द कर दिया गया है। बाकी किसी पोस्ट पे कोई वो जो फ़र्क है वो नहीं पड़ा है, बस ये जो पोस्ट यहाँ पे बताई गई है इनको रद्द कर दिया गया है। जिन भी बच्चों ने इसका फॉर्म डाला था उनकी जो फ़ीस है, जिस अकाउंट से आपने फ़ीस कटवाई थी ऑनलाइन, उसी अकाउंट में आपकी जो फ़ीस है वो वापस आ जाएगी। तो फ़ीस की घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी आपको लगे कि आपने फ़ीस भरी थी और वो फ़ीस भी नहीं वापस की जाएगी, तो फ़ीस वापस आ जाएगी। जिस अकाउंट से आपने फ़ीस सबमिट की थी तो उसी अकाउंट से आपकी फ़ीस है वो वापस आ जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन था CBSE के द्वारा अब जारी कर दिया गया। CBSE के द्वारा जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित कर दी गई है, 3 से लेकर 11 अगस्त तक 2024 तक जो आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अपनी तैयारी लगातार करते रहें, अच्छे से करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। GKGS के लिए अगर आप GKGS की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री बैच हमारा 1 मार्च से स्टार्ट हो रखा है। डेली शाम को 4 बजे वीडियो आ जाती है GKGS की तैयारी, उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो वीडियो सीरीज आप देख लीजिएगा, CBSE के GKGS का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको हमसे चैट करना है, बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पता चल गया होगा CBSE की अब एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी गई है। तो अपनी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।